नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जून बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था को लेकर कई बड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया है, उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उसने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि तमाम अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई निर्बाध गति से जारी रहे। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो बच्चा सरकारी या प्राइवेट स्कूल जहां पर भी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई वहीं पर जारी रहनी चाहिए। उसने राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता देने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनाथ हुए सभी बच्चों को तुरंत खाना, दवाई और कपड़े मुहैया करवाए जाएं। साथ ही इन बच्चों के गार्जियन उन्हें रखने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को अभी बाल कल्याण समिति को सौंपा जाए। अवैध रूप से गोद लेने देने वाले एनजीओ पर नजर रख उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 18 प्लस के वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 से 44 आयु वर्ग के लिए आज 9 जून को 30,50,000 वैक्सीन आएंगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से यह खेप मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 1 मई को राज्य सरकारों पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का भार डाला था। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक निर्माता कंपनियों को जारी की है। इन कंपनियों से जारी 30,57,000 वैक्सीन आज 9 जून को प्राप्त हो जाएंगी। पर्याप्त वैक्सीन के अनुसार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं 21 जून के बाद केंद्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में राजस्थान में जहां बीते 24 घंटे में 2,617 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं मात्र 529 नए केस सामने आए। वहीं श्रीगंगानगर जिले में 10 कोरोना रोगी सामने आए हैं तो हनुमानगढ़ जिले में 38 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। प्रदेश में गुरुवार 10 जून से रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को वीसी के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि 10 जून से 1600 बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही होगा। इसके लिए अधिकारियों का व्यापक तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में रिश्तों को जीजा द्वारा तार तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जीजा ने अपनी नाबालिग साली को हवस का शिकार बना डाला। मंडावर थाने में पत्नी सहित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अपनी बहन की डिलीवरी में मदद करने गई थी। पीड़िता के गर्भवती होने पर यह मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अटरू रोड मंडोला पेट्रोल पंप के पास संपत्ति को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान एक भाई ने दूसरे भाई को वाहन से टक्कर मार दी। हादसे में लोहारिया निवासी राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस टक्कर मारने वाले भाई की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले के झाडोल थाना क्षेत्र के रणघाटी में एक प्रेमी युगल ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रेमी युगल की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जालौर जिले के रानीवाड़ा थाना क्षेत्र के रोड़ा गांव के पास धोरों में कच्चे रास्तों में नानी के साथ पैदल जा रही 5 साल की बच्ची अंजलि की पानी नहीं मिलने से प्यास से तड़प तड़प कर मौत के मामले में संवेदनशील मामला होने के चलते प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी, जिस पर कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को रिपोर्ट भेजी है। नानी वृद्धा सुखी देवी उस दौरान पानी नहीं मिलने से बेहोश हो गई थी, जिसका अब अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उपचार चल रहा है। मामले को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं पानी नहीं मिलने से प्यास से 5 साल की मासूम बच्ची की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। राजे ने लिखा है कि लॉकडाउन में जाने का साधन नहीं मिला तो नानी और नातिन पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़ी, लेकिन अफसोस रास्ते में ना तो उनको पानी मिला और ना ही कोई सहायता। नतीजतन मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
दिया। क्या ये ही है सरकार कांग्रेस सरकार का जल प्रबंधन? प्रतापगढ़ जिले के धरियावत थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आपस में भिड़त हो गई। हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है जबकि घायल पत्नी और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती करवाया है जहां दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।